स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रुबीना चौधरी एंड टुडे आई एम बैक विथ वन मोर लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव डिस्कस्ड इन केमिकल काइनेटिक्स ऑल द डेरिवेशंस दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर. लाइक वी हैव डिस्कस्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देन वी हैव डिस्कस्ड हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वी हैव डिस्कस्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसियस फेज, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life of zero order reaction, and at the end we have discussed about pseudo first order reaction. So beta, this was the derivation which is given in chapter. There are total 6 derivation that you need to know. So we have completed our part of a derivation. Now there is a very small and sweet theory which is given in a chemical kinetics, and this is totally theoretical. You just need to understand the concept. Once you are done with concept, you can write down this in your own time. So your topic is collision theory of a bimolecular reaction. तो बेटा, अब तक हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करी है कि ऐसा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो कोलिजन थियरी तुमको बताएगा कि रिएक्शन होता कब है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में रेट ऑफ अ रिएक्शन अकर करेगा. सबसे पहली बात, कोलिजन थियरी जो है, हम बायमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. बायमोलिकुलर रिएक्शन से मेरा कहना है बेटा, मैं दो रिएक्टेंट ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक टू रिएक्टेंट. तो सबसे पहले अगर मैं ले लूँ तो मैं ये रिएक्शन समझ लो ए प्लस सी बी के बीच में करा रही हूँ. ये मेरा रिएक्टेंट वन, ये मेरा रिएक्टेंट टू. आगे जाके मुझे कोई प्रोडक्ट मिलेगा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ए और सी बी मिलके मुझे आगे प्रोडक्ट देने वाले. तो इट इज़ अ बायमोलिकुलर रिएक्शन. कोलिजन थियरी बोलता है, अब बेटा इन जनरल भी तुमको पता है कि तुम अगर कोई भी दो रिएक्टेंट ले लो तो डेफिनेटली वो हमें जाके आगे प्रोडक्ट देने वाले नहीं हैं. हर एक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं. तो कोलिजन थियरी बोलता है कि अगर मैं दो रिएक्टेंट को ले लेती हूँ, ठीक है, और वो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो बोलता है कभी भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए समझ लो ये मेरा रिएक्टेंट ए है और ये मेरा रिएक्टेंट बी है. ये दोनों को अगर रिएक्ट करना है एक दूसरे से तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. ये आपस में जब तक टकराएंगे नहीं तब तक इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा नहीं. ये पहला पॉइंट है आपके कोलिजन थियरी का. फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों जो तुम्हारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, टू रिएक्ट, अगर इन्हें रिएक्ट करना है दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. इनका आपस में टकराना ज़रूरी है. जैसे कि रोड पे दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है. तो एक्सीडेंट कब होगा, मतलब ये रिएक्ट कब करेंगे बेटा, जब दोनों आपस में टकराते हैं. यही तुम्हारा कोलिजन थियरी भी बोलता है. अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी सी, तो ये दोनों को रिएक्ट करने के लिए ज़रूरी है दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. तो यह कोलिजन थियरी फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन से कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर. इनका आपस में टकराना ज़रूरी है. अब सवाल उठता है बेटा यहाँ पे माइंड में आएगा, क्या मैं ऐसे दो रिएक्टेंट ले लूँ जो पहले रिएक्ट नहीं करते थे और उनको आपस में टकराने बोलूँ तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो जाके केमिकल रिएक्शन होगा.
तुमने एनए को इधर रखा है, तुमने सीएल को इधर रखा है, तुम्हें पता है एनए सीएल के बीच में रिएक्शन होता है, लेकिन जब तक वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। यही तुम्हारा कोलिजन थियरी का पहला पॉइंट बोलता है। दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं वो तभी रिएक्ट करेंगे जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और पास आके एक दूसरे से टकराएंगे। दिस इज़ व्हाट योर कोलिजन थियरी टॉक्स अबाउट बेटा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। अगर एक्सीडेंट करना है तो दोनों गाड़ियों का टकराना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट की बात करो बेटा। पहला पॉइंट बोल रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर इन ऑर्डर फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। फेयर इनफ, समझ में आ गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट सेज, अब फिर से रोड पे आ जाओ। ये तुम्हारी कार एक आ रही है, एक तुम्हारी दूसरी कार आ रही, दोनों एकदम स्लो स्पीड पे थे, आपस में टकराए, स्लो स्पीड पे थे और टकराए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा कार का किसी का मिरर टूटा, किसी का कुछ टूटा, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ। अब यहीं पे ये कार भी स्पीड में थी, ये कार भी स्पीड में थी, अगर दोनों स्पीड में होंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। हमें वही ब्लास्ट करना है ना केमिकल रिएक्शन में, हमें दोनों को रिएक्ट करवाना है। तो अब बोलता है कि जब ये कोलाइड करेंगे, पहला पॉइंट बोल रहा है कोलाइड करेंगे, है ना, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पे ही इनका क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चा, बोल रहा है कोलाइड तो होना चाहिए, टकराना तो चाहिए, लेकिन टकराते वक्त दोनों के पास एक एनर्जी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स दे मस्ट कोलाइड विथ अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आर के स्पीड से आ रही है और दूसरी 20 से आ रही है, दोनों टकराएंगे भी तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2-5 मिनट वो लोग एक दूसरे को आपस में झगड़ा करेंगे, गालियाँ देंगे और निकल जाएंगे। बट यहीं पर अगर दोनों कार 100 की स्पीड पर थे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो दिस इज़ व्हाट कोलिजन थियरी टेल्स यू स्टूडेंट, दे मस्ट कोलाइड। कोलिजन मस्ट टेक प्लेस विथ मिनिमम कोलिजन मस्ट टेक प्लेस बेटा यहाँ पे विथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें? और यहाँ पे तुमको एक डेफिनेशन भी मिलता है, एंड डेफिनेशन इज एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी को ही हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कोलिजन। आई एक्सप्लेन यू होता क्या है। जैसे कि मान के चलो अगर दोनों गाड़ियाँ 60 के स्पीड से हैं तो वो टकराएंगी तो ब्लास्ट होगा, अगर उससे कम है तो कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एटलीस्ट इतनी एनर्जी के साथ उनको कोलाइड करना है। अगर उसके कम से कोलाइड करते हैं तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कम से कम मतलब उतना होना चाहिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इससे ऊपर होगा तो योर रिएक्शन विल टेक प्लेस। उतनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, या फिर पहले जैसे कि अगर आप मोबाइल न्यू सिम कार्ड लेते हो तो उसमें क्या करना पड़ता था? आपको रिचार्ज कराना पड़ता था एटलीस्ट 100 रुपीज़ का, फिर उसके बाद स्टार्ट होता था तुम्हारा वो सिम। बिल्कुल उसी तरह से तो वो जो मिनिमम रिचार्ज आपको अवेलेबल है ना, वो आपका क्या हो गया? एक्टिवेशन
बोल सकते हो उसको, तो ऐसे ही हमारे केमिकल रिएक्शंस में होती है एक्टिवेशन एनर्जी, कि अगर इससे कम में हुआ तो नथिंग विल टेक प्लेस, इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो कम से कम होना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब कोलिजन थियरी के दो पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए। पहला पॉइंट बोलता है अगर रिएक्शन कराना है तो रिएक्टेंट को टकराना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोलता है जब टकरा रहे तो उनके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एकदम स्लोली टकराएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बेटा इससे एक बात भी समझ आ सकती है ना, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने रेट ऑफ अ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ कोलिजन, कि जितने ज़ोर से टकराया तुम्हारा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा क्या? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से देखा तो मेरा जितने ज़ोर से मॉलिक्यूल टकराया उतने ज़ोर से ही रिएक्शन होगा क्या? नहीं बच्चा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। रेट ऑफ कोलिजन विल डिपेंड ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। तो हम आगे जाके बात करते हैं। एक गाड़ी आ रही थी जिसका फ्रंट साइड है और दूसरे गाड़ी का भी फ्रंट साइड है। अगर दोनों का फ्रंट साइड है कोलिजन ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के इंजन सामने सामने आ गए। एक का फ्रंट है और दूसरे का बैक है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा ब्लास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोलिजन थियरी आपको बोलता है जब भी रिएक्शन होता है और कोलिजन होता है, ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। ओरिएंटेशन सही होना चाहिए मतलब वो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करने चाहिए बच्चा, वो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करने चाहिए। लेट मी टेल यू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट ले लेते हैं ए प्लस सी बी, ओके बेटा, और ये रिएक्टेंट आगे जाके मुझे प्रोडक्ट देगा ए प्लस सी बी, ओके। मैं ए को एक बड़े राउंड से डिनोट कर रही हूँ, मैं सी को भी एक बड़े सर्कल से, और यहीं पे मेरा जो बी है बच्चा, मैं अपने बी को एक स्मॉल और आई कैन ड्रॉ इट विथ ब्लू सर्कल, इससे मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मुझे चाहिए ए, मुझे चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। नाउ आई वॉन्ट ए बी टुगेदर, मुझे अपना ए बी साथ में चाहिए और मुझे सी अलग चाहिए। तो वॉट आई वॉन्ट ए स्टूडेंट, मुझे ए और बी साथ में चाहिए और मेरा जो सी है वो मुझे अलग कर देना है। दिस इज़ हाउ आई हैव टू रिएक्ट, ओके बेटा। मेरा रिएक्शन ए प्लस सी बी एंड इट विल गिव मी ए बी और सी, ये मेरे पास प्रोडक्ट हो गया। तो अब अगर तुम्हें सक्सेसफुल कोलिजन करना है तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे हो सकता है, व्हाट आर दी कंडीशंस। पहला हम लोग देखते हैं अगर इस तरह से रिएक्ट हुआ तो क्या होगा। ए अगर रिएक्ट करता है मेरा सी और बी से, ए मेरा रिएक्ट कर रहा है विथ सी और बी, ये मेरा बी है, ओके बेटा, ये मेरा बी है। तो जब वो सी और बी के साथ रिएक्ट करेगा, तुम्हारा ए, तुम्हारा सी और तुम्हारा बी सब आपस में टकराएंगे, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, क्योंकि मुझे चाहिए था ए और बी साथ में, आई वॉन्ट ए, ये मेरा सी है और मुझे चाहिए था बी, ये दोनों साथ में चाहिए था, लेकिन ये ऐसे कोलाइड नहीं हुए, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी देर बाद तुमको दोबारा से ए और सी भी वैसे ही मिल जाएंगे, कोलिजन नहीं होगा। दैट मीन्स नो रिएक्शन विल अकर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि तुम्हारा डायरेक्शन सही नहीं था, मतलब ऐसे टकराना चाहिए था कि ए के सामने क्या आ जाए, बी आ जाए। इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। दैट मीन्स अगर इनको सही से कोलाइड करना था तो ये उल्टा कोलाइड करते, ए के सामने बी आता, अब इतने दूर दूर से बी घूम के ए के पास नहीं आएगा और ए घूम के बी के पास नहीं आएगा और कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सेकेंड वे की बात करें, ये मेरा फर्स्ट मैथड था जहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ। सेकेंड में मेरे पास ए है
और फिर से मेरे पास वही सी और बी था। लेकिन इस बार जब ये टकराए बेटा तो कोलिजन कुछ इस तरह से हुआ, ए फिर आया बी और फिर आया सी। दे कोलाइड इन सच अ मैनर कि ए के बाजू में आ गया बी और सी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन बराबर था, ये दोनों अलग हो जाएंगे और तुमको मिल जाएगा ए बी और साथ में सी। एंड हियर वी कैन सी कि ये मेरा प्रॉपर ओरिएंटेशन है बेटा, ये मेरा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। मतलब मैंने सिचुएशन कुछ ऐसी रखी कि मुझे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाना था उन दोनों को आपस में टकराया। यहाँ पे भी मेरे पास सारे रिएक्टेंट अवेलेबल थे फर्स्ट केस में, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं था ना बेटा, रिएक्शन अकर नहीं हुआ। तो अब तीन पॉइंट डिस्कस हो चुका है अगर कोलिजन थियरी की बात करें हम। पहला पॉइंट बोल रहा है रिएक्टेंट का कोलाइड करना ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, कोलिजन। सेकेंड पॉइंट बोलता है दे मस्ट कोलाइड बट विथ सम एनर्जी। अगर ऐसे ही कोलाइड करे कुछ होने वाला नहीं है, एकदम जोर से, मतलब एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करना चाहिए। थर्ड बोलता है भले ही जोर से कोलाइड करे, डायरेक्शन सही नहीं होना कुछ बड़ा होगा नहीं, मतलब रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो दैट देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन एज वेल, प्रॉपर डायरेक्शन में इनका आपस में टकराना भी ज़रूरी है अलॉन्ग विद द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब तक हमने बोला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, दे मस्ट कोलाइड विथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाइल कोलाइडिंग दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब तुम्हारे का लास्ट पॉइंट बोलता है पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ओके बच्चा, तो जब हम पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल। मेरे पास रिएक्शन रिएक्टेंट है ए प्लस सी बी और मुझे प्रोडक्ट चाहिए ए, और उसके साथ ए के साथ मैं ले लूँगी बी, मुझे ए बी सी चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो बेटा ये रिएक्शन कराने के लिए देर आर टू थिंग्स दैट नीड टू बी डन। सी को अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा बी के साथ, ओके, दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग मस्ट टेक प्लेस, और उसी के साथ साथ तुम्हारे ए को नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा बी के साथ। तो इफ़ आई से रिएक्शन के बीच में कुछ ऐसा हो रहा होगा ए बी सी, ए बी सी, दिस मस्ट बी टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द रिएक्शन, जहाँ पे तुम्हारा जो ये बी है वो सी के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा और यहीं पे वो ए के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन देर आर टू स्टेप्स दैट ऑलवेज टेक प्लेस, वन इज नोन एज अ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनदर वन इज नोन एज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देर आर टू थिंग दैट विल टेक प्लेस, वन इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनदर वन इज बॉन्ड फॉर्मेशन। कोलिजन थियरी बोलता है कि देर हैज़ टू बी अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है बेटा। ग्राफ के एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो इस टाइम इस एक्सिस पे हम उसकी एनर्जी ले लेते हैं, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू मेंशन। एक रिएक्टेंट जो तुम्हारा था ए प्लस सी बी, ये मेरा रिएक्टेंट था, और यहाँ पे ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी थी, दिस इज माय रिएक्टेंट एनर्जी। ठीक है बच्चा, अब अगर तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कंपैरेटिवली मच मच हायर देन वॉट एवर अ रिएक्टेंट हैव। ओके बच्चा, तो होता ये है बेटा, होता ये है कि तुम्हारे रिएक्टेंट को एक बैरियर, एक पहाड़ तोड़ पार करना होता है जहाँ पे तुमको वो एनर्जी मिलती है। यहाँ पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है
दैट एनर्जी इज अ पोटेंशियल बैरियर. बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती है बच्चा, एनर्जी जो ज़्यादा लगती है वो बॉन्ड ब्रेक करने में लगती. और ये एनर्जी जो होती है इसी को हम EA बोलते हैं. EA इज नथिंग बट इट इज़ अ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी, अगर तुम ये पहाड़ को पार कर लेते हो, ये बैरियर को पार कर लेते हो, दैट मीन्स रिएक्शन विल टेक प्लेस. अगर तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम ये बैरियर को क्रॉस कर सको, तो दैट मीन्स नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. अब जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के पास तो रिएक्टेंट के मुकाबले भी कम एनर्जी होती है, बिकॉज वी ऑलवेज नो एनर्जी इज इन स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी. तो अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है. तो ये जो बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, अगर इससे कम हुआ, अभी तुमको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना है, इन जनरल समझो आप किसी के साथ हो और आपको वो बॉन्ड तोड़ना है, तो सामने वाले की जो कंडीशन है वो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली वो आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा, राइट बेटा. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए का बी और सी को बॉन्ड तोड़ने के लिए, समझो बी को बॉन्ड तोड़ के ए के साथ बनाना है, तो सी उससे डिमांड करेगा मुझे इतनी एनर्जी ला के दो, देन ओनली आई विल लीव यू. काइंड ऑफ दिस इज व्हाट हैपेंस. यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए लार्जर अमाउंट में एनर्जी चाहिए. फिर बॉन्ड ए बनाने के लिए रेडी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो वेरी क्विकली होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में. लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो बॉन्ड तोड़ने में है. बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी लगती है बच्चा, वो ही तुम्हारी पोटेंशियल बैरियर होता है. हमारे पास अगर उतनी एनर्जी होगी तो बॉन्ड टूटेगा एंड रिएक्शन विल प्रोसीड. अगर हमारे पास वो एनर्जी नहीं है तो ना बॉन्ड टूटेगा ना ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, एंड दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर. अब यहाँ पे जो ई ए है, दैट इज नोन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग का पहाड़ है वही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है. इससे ज़्यादा एनर्जी होगी, फटाफट बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस. अगर इससे कम एनर्जी है तो यू कैन नॉट प्रोसीड. आपको सबसे पहले वो एनर्जी जमा करनी पड़ेगी एंड देन ओनली वो बॉन्ड टूटेगा और फिर आप बॉन्ड नया बना पाओगे. तो जो एनर्जी लग रही है बच्चा, वो बॉन्ड ब्रेकिंग में लग रही है एंड दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर. उसी को हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं. तो बेटा अब अगर हम लोगों ने कोलिजन थियोरी के बारे में बात कर ली है, तो देर आर 4 पॉइंट दैट नीड टू बी डिस्कस. कोलिजन थियोरी बोलता है फॉर एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, दो रिएक्टेंट है तुम्हारे पास, इनको अगर रिएक्ट करना है तो दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. आपस में टकराना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक करीब नहीं आएंगे रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. सेकेंड पॉइंट टेल यू स्टूडेंट, दे मस्ट कोलाइड बट विथ सम एनर्जी. अगर एकदम स्लो से टकराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. बोल रहा है ज़ोर से टकराना चाहिए. एक कम से कम वाली जो स्पीड होती है ना, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और वो ये वाली है बच्चा, ये वाली स्पीड है वो. दे मस्ट कोलाइड बट विथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. उससे ज़्यादा से कोलाइड करेंगे चलेगा, लेकिन उससे कम से कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. फिर बोलता है कोलाइड करते वक्त, जब आप कोलाइड कर रहे हो तो ये भी ज़रूरी है डायरेक्शन कैसा है. अगर डायरेक्शन सही नहीं है, जैसे ये वाले केस में हमने देखा ए बी बनाना था, लेकिन ए टकरा गया किसके साथ, सी के साथ. तो जब वो सी के साथ टकरा गया बेटा, नो रिएक्शन हैड टेकन प्लेस. तो बोलता है ये दोनों कंडीशंस के साथ साथ देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, दैट मीन्स डायरेक्शन भी सही होना चाहिए. और लास्ट में बोलता है पोटेंशियल बैरियर, कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं. दैट इज़ ओनली नोन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी. अब बेटा अगर हम लोग बात करें अ फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, तो उसका फॉर्मूला एफ होता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एफ विल गिव यू एक्सपोनेंशियल ई, और उसके ऊपर होगा ई ए बाय
आरटी। ये इक्वेशन अरहेनियस ने दिया था और हम इस इक्वेशन के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, विच इज़ अरहेनियस इक्वेशन। एक और छोटा सा डेरिवेशन है विच वी नीड टू डिस्कस। यहाँ पे आपके केमिकल काइनेटिक्स की थियोरी बेटा कंप्लीट हो जाती है, बस इतना ही थियोरी दिया हुआ है। कोलॉइड करे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलॉइड करे, डायरेक्शन भी सही होना चाहिए और जब तक ये बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक के रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन कोलिजन थियोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।